पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम प्रखंड के अधिकांश परिवार के लोग कृषि पर निर्भर रहकर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। बुड़ाम और पटमदा प्रखंड को कृषि बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जिले भर में ख्याति प्राप्त है। इस क्षेत्र से यदि पलायन को रोकने का प्रयास सरकार करना चाहती है तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। बुड़ाम प्रखंड के मुकरुडी गांव के युवा किसान संजय महतो ने कृषि विभाग से जुड़कर विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कृषि विभाग के भूमि संरक्षण से डीप बोरिंग की सुविधा लेकर करीब 1 एकड़ भूमि में खीरा की खेती लगाया है, जिसमें लागत का दोगुना मुनाफा होने की बात कही। वहीं मछली पालन और बत्तख पालन से भी मुनाफा बताया। वहीं उन्होंने क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर पलायन को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय युवाओं को कृषि से जुड़कर रोजगार का अवसर मिल सकता है। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से जैसे डीप बोरिंग किए और आपका तालाब मरगाट से किए हैं, उसमें भी मछली छोड़े हैं, बत्तख छोड़े हैं और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। वर्तमान में है खीरा लगा हुआ है, करेला है, लौकी है, भिंडी है, मोटा मोटी आपका 1 एकड़ में लगा हुआ है। उपज अगर सही सलामत होगा तो मोटा मोटी 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से निकल जाएंगे। करने में खर्च पड़ा है 20-22 हज़ार रुपया हुआ है खर्चा। पानी का सुविधा, जैसे बारिश का पानी हो जाता है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो तालाब में पानी है, बोरिंग भी है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।